वीव्स, नमस्ते वीव्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल धनलक्ष्मी होम कुक। एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रहे हैं, तो आज हम आप वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बिल्कुल बिना हवन और बिना केक मॉल के हम बढ़िया सा केक बनाएंगे, एकदम सिंपल सादा सा लेकिन बहुत टेस्टी और हेल्दी सा केक। घर में ही बनाइए, इसे छोटे बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। देखिए टीवी में दिखाया जैसा, वीडियो में दिखाया जैसा, देखिए कैसे स्पॉन्जी सा और टेस्टी सा केक, हेल्दी सा, घर में ही आप बना सकते हो। मेरे चैनल को जरूर देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। इसके लिए सामान देखिए, इस सबको लिख लीजिए, सिंपल सा ही है। बीच में एक बाउल सा, एक ग्लास में मैदा है। मैदा के बाद उतना ही शक्कर ले लीजिए, शक्कर है और काजू किशमिश और बेकिंग पाउडर है और एक एग है, अंडा एक है और वेनिला एसेंस, दो इलायची है। तो ये सबको हम लोग बढ़िया सा पाउडर, पहले शक्कर को पाउडर बना लेना है। तो देख लीजिए सामान और लिख लीजिए, शक्कर और इलायची को मिक्सी में पाउडर बना ले, मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। इजी सा है, सिंपल सा। पहले ये जो रेडी कर लेते हैं, ये पाउडर हो गया तैयार। देखिए बारीक सा पाउडर बना लिए। अब हम हाथ से नहीं मिलाएंगे इसको, इसी में डाल के चला लेंगे। ओके, तो ये मैदा देखिए, वीडियो में दिखाया जैसा, मैदा को इसी में मिक्सी जार में ही डाल लेते हैं। मिक्सी जार में डाल के इसमें बाकी के सामान भी डालते हैं, जैसे अंडा हो गया, एक अंडा तोड़ के डाल लेंगे। अंडा तोड़ के डालने के बाद बाकी के सामान भी डाल लेते हैं, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, ये 1 स्पून वेनिला एसेंस डालिए। स्मेल के लिए आपको जो फ्लेवर पसंद है वही डाल सकते हो। एसेंस वेनिला का मैं डाल रही हूँ, इसे जरूर डालें। डाल के इसके बाद बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर 1 स्पून डालें। देखिए बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर डालने के बाद इलायची तो पहले डाल चुके हैं, 2 से 3 स्पून या 4 स्पून ऑयल भी डाल लेते हैं, क्योंकि एग अगर एग से वो हो जाएगा, लेकिन और इसमें पानी नहीं डालना, तो उसके जगह पे हम ऑयल डालते हैं 2 से 3 स्पून। चला ले, देखिए एक स्मूथ सा बन गया इसका बैटर, अंडा, मैदा, शक्कर, इलायची, बेकिंग सोडा हो गया, वेनिला एसेंस, सबका मिक्सी में हम लोग अच्छे से चला लिए। अब एक जान हो गया है। अब इसमें एक प्लेट है, ये बाउल ले लीजिए, एक बाउल है ये, इसमें घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करके इसे हम केक के लिए तैयार करते हैं। अब जो मिक्सी में पीस के रेडी रखे ना बैटर, इसमें अच्छा से डाल लेना है। डाल के इसे तैयार कर लेते हैं। ऊपर से काजू किशमिश को सजा ले, आपको जैसा पसंद है वैसा सजा सकते हो आप, है ना? आपको जो जो डालना है वो सब डाल सकते हो आप, जो डालना है। अब एक इडली का बर्तन लेके उसके ऊपर मैं स्टीम रेडी रखी हूँ। देखिए ऊपर में छोटे छोटे ग्लास को रखी हूँ, ताकि वो स्टीम के लिए मैं बर्तन को रख सकूँ, तो उसको सपोर्ट के लिए मैं छोटे ग्लास को रख के ये प्लेट को उसके ऊपर रख दूंगी, तो के स्टीम में ही कुक हो जाए। इसको ना मॉल की ज़रूरत है, ना ही केक जो स्टैंड है, वो सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा बढ़िया स्टीम में भी केक बना सकते हो। देखिए पूरे 20 मिनट कुक होने के बाद,
20 से 25 मिनट लग गए इसको कुक होते, अब थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए नहीं चिपक रहा, काफी टाइम तो हो गया कुक हो गया। अब इसे साइड से लूज कर ले, ऐसे इजी से निकल ही जाएगा, ग्रीस किए हम तो घी से, लेकिन इसको थोड़ा सा लूज कर लिए। अब हटा के देखते हैं कितना सुंदर सटे बढ़िया केक बना। देखिए ऐसे आप बना सकते हो, सिंपल है ना, झंझट ना कुछ, है ना। आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे ऐसा बनाने से आपको, इतना ज़्यादा। एक टुकड़ा काट के भी देख सक दिखा दूंगी आपको। देखिए स्पॉन्ज जैसा बना है, देखिए कितना सुंदर और टेस्ट जैसा केक बना। आप इसे ज़रूर बनाइए मेरे स्टाइल में, अच्छा लगेगा आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रही हूँ, ज़रूर देखिए मेरे वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।